हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ ब्रेकफास्ट में मुझे बनाना है पाव भाजी, तो मैं उसी के लिए सब्जियाँ कट कर रही हूँ। और जितनी सारी भी सब्जियाँ हैं हम लोग सब यूज़ कर सकते हैं पाव भाजी मीन्स भाजी बनाने के लिए। जितनी सब्जी भी डाल लें बच्चों के लिए तो अच्छा ही होता है, उनके लिए हेल्दी भी होता है और वो खाते भी पसंद से और हैं। अभी बनाना है मुझे पाव भाजी, तो मैंने सारी सब्जियां कट करके और प्रेशर कुकर में रख दी हूँ। और इसमें इसे पका लेंगे अच्छे से, सबको बॉईल कर लेंगे प्रेशर कुकर में। और उसके बाद बनाऊंगी मैं इसकी भाजी। और तब तक तैयारी कर लेते हैं भाजी की, जैसे कि प्याज कट करना, टमाटर कट करना, तो मैं चॉपिंग का काम कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए किचन में आ गई है मैं शिवांगी। ये लोग टीवी देख रहे थे, अभी ये किचन में आ गई। बेटा आप जाओगे खेल लिए, तब तक मामा फटाफट ब्रेकफास्ट बना ले। और यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ चॉपिंग प्याज की और टमाटर की। पाव भाजी में हमें टमाटर का यूज़ ज़्यादा करना होता है ताकि उससे खट्टा टेस्ट आता है। और अभी कर्नाटका में लॉकडाउन लग गया है, इस वजह से हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना है उन्हें, तो मैं कल ही वो जाके सब कुछ लेके आ गए थे, क्योंकि आज से तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया यहाँ पे। और बच्चे लोग अभी तो यहाँ श्रेयांश और शिवांगी बैट बॉल खेल रहे हैं अपने पापा के साथ कमरे में ही, बाहर तो जाना नहीं है, तो बस घर ही प्लेग्राउंड बना हुआ है और दोनों बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, इन लोग का भी टाइम पास हो रहा चलिए है। यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में, तो अब अपना कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं फाइनल, क्योंकि और भी बहुत सारे काम है कुकिंग करने के अलावा। बच्चों को नहलाना है, खुद भी नहाना है, बहुत सारे काम है। यहाँ पाव भाजी के लिए मैंने प्याज कट कर लिया है, सॉरी टमाटर कट कर लिया है, प्याज कट कर लिया है। और यहाँ धनिया पत्ती, बस इतना ही चॉपिंग करना था मुझे। तो यहाँ पे गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है और मैं इसमें बटर डाल दे रही हूँ। और यहाँ देखिए बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है, और थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग बटर डालेंगे क्योंकि भाजी हमें बटर में ही बनाना है और इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दे रही हूँ, और जीरा जैसे ही चटक जाएगा फिर उसमें प्याज डालेंगे। तो यहाँ प्याज डाल दिया है मैंने और इसे थोड़ा पका और लेंगे। यहाँ पे स्टिल मेरे साथ एक प्रॉब्लम अभी भी मैं झेल रही हूँ, तबीयत खराब के कारण मैं जितना भी मेडिसिन ली हूँ उसकी वजह से मेरी स्मेल स्मेल पावर जो है ना वो खत्म हो गई है। मीन्स मुझे किसी भी चीज़ स्मेल नहीं आ रही है ऑनेस्टली। और जब किसी चीज़ की स्मेल भी आ रही है ना तो इतनी गंदी सी स्मेल आ रही है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बना रही हूँ। खाने का तो टेस्ट मुझे समझ आ रहा है कि हम क्या खा रही हूँ, बट स्मेल मुझे ऑनेस्टली कुछ नहीं आ रहा। और यहाँ देखिए थोड़ा सा और बटर डाल दे रही हूँ। इसमें देगी मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए, काश्मीरी लाल मिर्च, ताकि इसमें अच्छा कलर आ जाए। और फिर मैं इसमें टमाटर डालूंगी, और ये तीन बड़े साइज के टमाटर मैंने कट करके लिए हैं इसमें डालने के लिए। और यहाँ पे मैं टमाटर में नमक डाल दे रही हूँ ताकि टमाटर जल्दी पक जाए, गल जाए। ये गया इसमें हल्दी पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर और ये जीरा पाउडर। और ये रहा पाव भाजी मसाला। तो यहाँ पे सारे मसाले अब डाल दी हूँ मैं भाजी में, और बस थोड़ा सा और भूनने के बाद इसमें जो हमारी उबली हुई सब्जियाँ हैं वो डालेंगे। और यहाँ पे मैं नमक भी डाल ले रही हूँ, बाकी के जो नमक थे क्वांटिटी वाइज। और ये जो उबली हुई सब्जियाँ हैं बीन्स, गाजर, ये सब मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और मटर सबको एक साथ इसमें डाल के, और पोटैटो मैशर से इसे अच्छे से हमें मैश कर लेना है, बिल्कुल फाइन मैश करना है। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये हमारी उबली हुई आलू है,
तो ये सबको एक साथ डाल के और फिर अच्छे से पोटैटो मैशर से सबको मैश कर लेंगे, ये पूरा मिल जाएगा। और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी, तो यहाँ पे मैंने पानी भी डाल और इसे बॉयल आने तक पका लेंगे अच्छे से। और फिर मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला और धनिया पत्ती। तो यहाँ पे देखिए बॉयल आ गई है सब्ज़ी में और मैं यहाँ पे गरम मसाला डाल रही हूँ। और गरम मसाला डालने के बाद बस ज़रा सा मिलाने के बाद, और ये हमारी हरी धनिया पत्ती है ये भी मैं अभी डाल दे रही हूँ, और थोड़ा सा ऊपर से मैं बटर और डाल दे रही हूँ। और ये भाजी हमारी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैं बटर लगा के पाव को सेक ले रही हूँ, और उसके बाद पाव सिक जाएगा, फिर मैं बच्चों को और पतिदेव को ब्रेकफास्ट दे दूँगी, तो वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी जब बच्चे खा लेंगे और पतिदेव। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्लेट लग गया है, मीन्स मेरे पतिदेव के लिए, और कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ मैं अपने लिए पाव सेक रही हूँ, बच्चे और पतिदेव ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स अभी पावर कट हो गई है और हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है। और ये देखिए जो अचार मैं बना रही थी हूँ, और इसे अभी मैं छत पे ले जाऊंगी धूप में रखने के लिए, थोड़ा धूप लगेगा तो ये पकेगा। मैं इसमें कल ही मसाले डाली हूँ, मसाले को हल्का सा रोस्ट करके और फिर मैंने मिक्सर में उसे पीस लिया है, और उसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ और ऑयल भी डाल दी हूँ मैं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है अचार बनाने वाला, देखते हैं कैसा बनता है। तो अभी चलिए चलते हैं छत पे और इसे छत पे रख के आती हूँ मैं। देखिए ये अचार देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, बनता कैसा है ये जब अचार पक जाएगी तब पता चलेगा हमें। मैंने छत पे अचार रख दिया है, काफ़ी तेज़ धूप है इस वजह से मैं छत पे रुकी ही नहीं, और ये दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। फिर आके एक दो घंटे, दो तीन घंटे के बाद आके फिर अचार ले जाऊँगी मैं। सीढ़ियों पे चढ़ के आएगा ना तो थोड़ी सी थकान सी लग रही है, तबीयत खराब के कारण ऐसी ही थोड़ी बहुत अभी भी वीकनेस बनी हुई है, कफ अभी भी थोड़ा बहुत परेशान कर रखा है मुझे। तो चलिए चलते हैं नीचे और फिर मैं आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी शाम हो गई है और यहाँ देखिए सुबह की बेचैनी, इसे टेरेस पे जाना है। एक्चुअली बच्चों को तो बाहर जाने के लिए मिल नहीं रहा है, काफी दोनों परेशान हो गए हैं यहाँ पे इस घर से आने के बाद। जब से ये लोग आए हैं तब से घर में ही बंद पड़े हुए हैं। तो मैं अभी जो अचार रखी हूँ छत पे जा रही हूँ लेके आने, और ये देखिए इसकी बेचैनी, इसका भी इसे छत पे जाना है। बेटा वेट ना, चलते तो अभी हम लोग टेरेस पे चलते हैं। तो उनके पापा वो लोग पहले से ही टेरेस पे चले गए हैं, और वो वहाँ ऊपर से उन्होंने वीडियो कॉल किया और सुगु ने देख के बस मुझे बेचैन कर दिया, मम्मा चलिए मम्मा चलिए। तो चलिए चलते हैं और छत पे मिलते। तो देखिए यहाँ पे हम लोग टेरेस पे जा रहे हैं, जा नहीं रहे, आ ही गए हैं हम लोग, आ गए हैं टेरेस पे। ये देखिए श्रेयांश और मेरे हस्बैंड और बच्चे लोग। मैं अचार चेक कर लेती हूँ जहाँ पे अचार रख के गई थी। अचार में अच्छा धूप लग गया है। मम्मा ये क्यों रखी है? धूप लगने के लिए बेटा। बन गया है? हाँ बन रहा है। श्रेयांश और ये देखिए लोग छत पे आके काफी खुश महसूस कर, मीन्स काफी हैप्पी लग रहे हैं ये लोग छत पे आने के बाद। थोड़ा सा उन लोगों को खुला खुला मिला है ना, बहुत दिन से ही घर में बंद पड़े हुए हैं, जब से आए तब से ये लोग कहीं बाहर गए ही नहीं है। ये आम का पेड़ है, इस पे काफी ज्यादा आम हो रखा है। बट इधर आप लोगों को टेरेस दिखाती हूँ हम लोगों का। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ, और ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स का टेरेस है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बैक।
तो यहाँ टेरेस पे बच्चे लोग खेल रहे हैं और हम लोग बस थोड़ा बहुत इधर उधर इन्हीं के पीछे घूम रहे थे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये ब्लॉग कैसी लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और ये है हमारा कॉलोनी, काफ़ी ग्रीनरी दिख रहा है ऊपर से, काफ़ी पेड़ पौधे हैं। और बस मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे आज एंड करती हूँ और फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बाय बाय।